आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट ए सर्टन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज 2050 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर इज 3000 देन द सम ऑफ मनी इज 20,000 18,000 21,000 25,000। ठीक है, क्वेश्चन समझा देते हैं। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी अमाउंट पे सर्टन रेट पर एनम है, 2 साल की बात कर रहे हैं, 2050। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम अमाउंट ऑफ मनी है, रेट भी सेम चल रहा है, 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम पीरियड, और 3000 है। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ मैंने देखिए 3 एरोज बना लिए हैं, प्रिंसिपल A1 A2 A3। ठीक है, पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो, और तीसरे साल का अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है 3000 सिंपल इंटरेस्ट एंड 2050 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है 2050। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ये अलग से मैंने डिनोट कर दिया है बड़े ब्रैकेट से, 3 साल की बात हो रही है इसलिए ये एरो यहाँ तक कवर कर रहा है। तो 3 साल की, 2 साल का CI हो गया 2050, 3 साल का SI हो गया 3000। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल बराबर होता है, और 3 साल में इसको 3000 दे रहा है, तो हम अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, मीन्स 3 साल की बात करें, तो इसको हर साल कितना मिल रहा होगा, 1000 मिल रहा होगा, है ना। हर साल इसको 1000 सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में इसको 1000 मिला, दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, तो तीनों साल मिला के इसको 3000 सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो आप ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और पहले साल का CI होता है, वो दोनों बराबर होते हैं, CI और SI दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले साल का यहाँ पे अगर हम देख लें, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है और प्रिंसिपल भी सेम है दोनों केसेस में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले साल का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इससे हमें दूसरे साल का ही प्रिंसिपल पता चल जाएगा इससे, तो क्योंकि हमें टोटल CI दिया गया है 2 साल का, और पहले साल का हमें पता चल गया 1000, तो दूसरे साल का हमारे पास कितना आ जाएगा, 2050 माइनस 1000 करेंगे तो 1050। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे साल का CI आ गया है। ठीक है, तो ये CI हमें पता चल गया दूसरे साल का और पहले साल का, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें रेट परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, रेट परसेंटेज, और रेट परसेंटेज पता चल गया उससे हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेट परसेंटेज निकालना है, तो पहले साल दूसरे साल का CI 1050 है माइनस 1000/1000 × 100, जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम रेट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि CI का रेट परसेंटेज और अमाउंट से अमाउंट का रेट परसेंटेज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम रेट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब देखिए कितना CI बढ़ा है 1 साल में, तो 1050 माइनस 1000/1000 × 100, 2 0 तो ऐसे ही कट गए, यहाँ 50/10 होगा, बचा हमारे पास 5%, ये हमारा रेट ऑफ परसेंटेज आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब इससे हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही बोला गया है कि पी का अगर 5% कितना आ रहा है, 1000। ठीक है, प्रिंसिपल का 5% पहले साल का इंटरेस्ट होगा 1000। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल का 5% 1000 के बराबर है, तो इससे हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो पी का 5% कितना होगा, 5% को आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/20 = 1000, तो इससे प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 20000 ऑप्शन है। ठीक है, आप पैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये पी का ये समझ नहीं आ रहा है कि पी का 5% 1000 कैसे, तो आप इसको फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, SI वाले फॉर्मूले में, तो SI = PRT/100 में भी आप डाल के प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल का दिया है 3000। ठीक है, पहले साल का भी पता है हमें 1000, दूसरे साल का भी पता है, तो आप कितने साल की रेट डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले साल का ही प्रिंसिपल SI मानेंगे, पहले साल का यूज़ करेंगे, तो पहले साल में इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 मिला है, प्रिंसिपल PE है, रेट 5% है, टाइम पीरियड पहले साल की, क्योंकि एक ही साल ले रहे हैं, 2 साल लेते तो यहाँ 2 लेते, और रेट हमारा कितना हो जाता, रेट तो 5% ही रहता, यहाँ पे हमारा SI लेकिन 2000 हो जाता, अगर 3 साल लेते तो 3000। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका SI और टाइम चेंज होता बस, बाकी रेट प्रिंसिपल सेम रहता।
ठीक है, तो हम एक साल का ले रहे हैं इसलिए 1 और ऐसा ही 1000। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका P 20,000 ऑप्शन ए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में, सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।